Assalam-o-Alaikum, i hope you all are doing great today in this video we are going to discuss acid fast staining procedure it is a microscopic procedure of laboratory diagnosis of many bacteria basically it is a differential staining procedure it is used to stain acid fast bacteria it is used to differentiate between acid fast and non acid fast bacteria बेसिकली एसिडफाज स्टेनिंग प्रोसीजर एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर uh, है टाइप है लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस की अगर आपने मेरी लेबॉट्री डायग्नोसिस वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन बताई थी कि लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं फोर मेथड्स हैं माइक्रोस्कोपिक कल्चर बेस्ड जरोलॉजिक और मॉलिकुलर तो उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक मैथड है उसमें दो प्रोसीजर्स आते हैं एक हैं ग्रैम स्टेनिंग प्रोसीजर और एक है एसिड फाज स्टेनिंग प्रोसीजर सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिड फास्ट स्ट्रीनिंग प्रोसीजर कम्प्लीटली सो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी लेबॉट्री डायग्नोसिस वाली तो उनको उस वीडियो को देखें ताकि आपको क्लासीफिकेशन याद हो जाए दैन फिर आप आएँ इस पर एसिड फास्ट स्टेनिंग पर ठीक है उस वीडियो का लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर रही हूँ साथ में ग्रुप का लिंक मैं एक शेयर कर रही हूँ इस ग्रुप में हम माइक्रोबाइलोजी के डिफरेंट चैप्टर्स की या एम सी प्रैक्टिस करते हैं लाइक जो भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब चैनल पे अपने तो मैं उस वीडियो लिंक को शेयर करती हूँ एक डेली टास्क बताती हूँ कि आज हमने ये चैप्टर याद करना है इस चैप्टर को अच्छे से समझना है दैन मैं आप लोगों को टास्क बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट वीक मतलब संडे को हमारा जो है टेस्ट होता है तो इस संडे को हमारा ये ये चैप्टर्स का टेस्ट होगा बच्चे प्रिपेयर करके रखते हैं दैन उस टेस्ट की पूरा एवेलन होता है पूरी चेकिंग होती है रिजल्ट बच्चों को दिया जाता है साथ हम वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहते हैं वाइवा की तैयारी हमारे पास होती रहती है पास्ट पेपर्स शेयर किए जाते हैं इट मीनस कि कम्प्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें मिलेंगी कोई फ़ी नहीं है इसकी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे और जितनी भी वाली चीज़ें हैं पास्ट पेपर्स हैं वाइवा हैं वाइवा पूल है जितनी भी वाली चीज़ें हैं आपको सारी मेरे ग्रुप में मिलेंगी सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट्स ऑल फॉर यू ठीक है सो मैज कर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर यूँ ग्रुप का आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रोसीजर हमारे पास एक डिफ्रेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर है डिफ्रेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर मीन्स कि हम किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करें इस प्रोसीजर के थ्रू अब क्या डिफ्रेंशिएट करें वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया क हम एसिड फास्ट को और नॉन एसिड फास्ट को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो हम थ्रू करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग प्रोसीजर Uh, also known as नॉन एस जील नेंसन मैथड इसको हम जील नेंसन मैथड भी कहते हैं बेसिकली दो मैथड्स होते हैं इसके आगे मैं बताऊँगी लेकिन जो ज़्यादा यूज कॉमनली यूज मैथड है वो जील नेंसन मैथड है एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन से होते हैं अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि एसिड फास्ट और नॉन एसिड को हम जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अब जाहिर सी बात है पूरा प्रोसीजर एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं तो हमारे पास दो जीनस हैं जैसे कि माइकोकार्डिया एंड नो कार्डिया ये दो हमारे पास जो है ना इस पर हम इसको करते हैं ठीक है माइकोबैक्टीरियम की स्पीशीज़ आ जाएंगी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम लेपरा माइकोबैक्टीरियम बोवस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सिंपली ट्यूबरक्लोसिस करवा रहे जो लंग्स वगैरह में हमारे टी होती है वो करवाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा होता है वो करवाता है लेप्रोसी और जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस होता है वो जी आई टी में टी बी करवाता है आपको पता होगा ना टी बी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं लंग्स में होती हैं बोन्स में होती है, है तो लंग्स में बोन्स में जो टी बी होगी वो हमारे पास ट्यूबर क्लॉसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसिस करवाएगा और जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस होती है वो हमारे पास ट्यूबर क्लॉसिस करवाता है जी आई टी के अंदर सो आई होप कि आपको ये एक एडिशनल uh, जो है ना बात पता चली होगी यहाँ से इसको याद कर लिएगा नोट कर लिएगा जाए नो कार्डिया नो कार्डिया हमारे पास नो कार्डियोसिस डिजीज करवाता है अब टाइप्स की अगर हम बात करें अभी मैंने आपको बताया था कि दो मेथड्स होते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग के एक जील न मैथड और एक क्रिओन मेथड जील नेसन मेथड में हम क्या करते हैं कि इस मेथड में हम हीट को यूज़ करते हैं जो इसका मेन uh, पॉइंट आपने याद रखना है ना वो आपने मेन पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर हीट यूज़ की जाती है और इसके अंदर हीट नहीं यूज़ की जाती अब हीट हम किस लिए यूज़ करते हैं स्टेन की पेनिट्रेशन के लिए मतलब जो आपके पास स्टेनिंग आप कर रहे होंगे ना उस टाइम पे, तो वो स्टेन, वो जो स्मियर है वो उसमें पेंट्रेट रहे ऐसा ना हो कि वो उड़ जाए ठीक है मतलब आप उसको एग्जामिन करने लगो वो आपको नजर ही नहीं आए तो हम क्या करते हैं हीट यूज़ करते हैं इसलिए हम इसको हम हॉट मैथड भी कहते हैं और इसमें हम हीट नहीं यूज़ करें इसलिए इसको हम कोल्ड मैथड भी कहते हैं तो इतना खैर ये पूछने वाला सवाल नहीं है कि कौन से मैथड्स होते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए तो जो हम कॉमनली मैथड यूज़ करें वो है जील जीलैंसल मैथड तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जील नैसल मैथड अच्छा यहाँ से पहले इसको देखते हैं ठीक है प्री स्टेनिंग मतलब वो मेथड जहाँ पर हम अपनी स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं अब ये पूरा लैब का प्रोसीजर है क्योंकि लेबॉर्टरी डायग्नोसिस में आ रहा है ना तो अब लैब के प्रोसीजर को देखते हुए जहन में रखते हुए कि हम क्या क्या चीज़ें करें उनको हम देखते हैं सबसे पहले हम करें प्री स्टेनिंग मतलब अपनी स्लाइड को प्रिपेयर करें टेक अ क्लीन स्लाइड एंड इट हमने स्लाइड ली और उसको स्टेरलाइज करा अब यहाँ पे सवाल आता है कि स्लाइड को हम स्टेरलाइज कैसे करते हैं तो स्लाइड को हम सिंपल क्या करते हैं जो हमारा बंसन बर्नर रखा होता है फ्लेम उसके ऊपर स्लाइड को मतलब थोड़ा सा रखेंगे उसके ऊपर फ्लेम के ऊपर तो समझे वो आपकी स्टेरलाइज हो गई देन टेक अ वाइड लूप एंड मेक इट रेड हॉट फिर हम वायर लूप लेते हैं और उसको रेड हॉट बनाते हैं मतलब उसको भी क्या करेंगे हम गर्म करेंगे और उसको भी हम सिंपल वही तरीका फ्लेम के ऊपर रख कर करेंगे फिर हम पोर करेंगे वन ड्रॉप ऑफ नॉर्मल स्लाइन सोल्यूशन ऑन द स्लाइड टू मेक अ अस्र देन जो हमने स्लाइड स्टेलाइज कर ली थी इस यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में अब थर्ड स्टेप में आकर क्या करें उसके ऊपर हम एक ड्रॉप डाल रहे हैं नॉर्मल स्लाइन सोल्यूशन का फिर टेक अ स्पेसिमन एंड स्प्रेड इट ऑन द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ टेक अ वायर लूप ठीक है सॉरी टेक स्पेसमन स्पेसमन लेंगे और उस पर हम जो है ना स्लाइड के ऊपर पूरा स्प्रेड करेंगे किसकी हेल्प से वाइड लूप की हेल्प से और फिर हम इसमें हीट फिक्सेशन करें तो यहाँ पे नज़र आ गई बट हीट फिक्सेशन हो रही है सबसे पहले आपने क्या करा स्लाइड ली सही है फ्लेम के ऊपर आपने इसको स्टेलाइज करा जब ये स्लाइड स्टेलाइज हो गई तो फिर आपने एक वाइल लूप लिया उस वायर लूप को भी ऐसे इसके ऊपर फ्लेम के ऊपर रख के स्टेलाइज करा जब ये भी हो गया तो आपने यहाँ से बॉटल से स्पेसिमन लिया वायर लूप की हेल्प से और इसको कहाँ पर पोर करा स्लाइड के ऊपर डाल दिया अभी जो स्लाइड के ऊपर इस्मेयर आ गया है ना अच्छा स्लाइड में आपने वन ड्रॉप ऑफ नॉर्मल स्टैंड सोलशन आप पहले डाल चुके थे अभी जो इस्मेर आ गया इसमें आपने क्या करी हीट फिक्सेशन करी तो यहाँ तक का जो आपका प्रोसीजर हुआ ये हुआ आपके पास प्री स्टेनिंग का सही है तो ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है टेक अ क्लीन और ग्रीस फ्री स्लाइड स्लाइड अच्छे से साफ़ सुथरी स्लाइड ली प्रिपेयर स्मियर ये वाला जो सेकेंड प्रोसीजर था ये पूरा मैंने आपको समझा दी कि स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं कैसे हैं क्योंकि आपसे एक्सटर्नल भी पूछ सकता है और आपसे बाइबर में कोई भी पूछ सकता है कि भाई आपने सिंपल बोल दिया स्लाइड प्रिपेयर करी तो स्लाइड प्रिपेयर कर कैसे रहें आपको ये पता होना चाहिए ठीक है आपने बता दिया कि हमने स्लाइड इस तरीके से प्रिपेयर करी अब आज जो हमारे असल मैथड है विच इज़ स्टेनिंग प्रोसीजर अब जो हमारे पास वो स्लाइड तैयार हुई हुई थी इसके अंदर हमने क्या डाला काबल फेशन डाला ठीक है और उसको हीट प्रोवाइड करी फाइव मिनट्स तक अभी जो कार्बल फसटन होते हैं ना ये हमारे पास इसको हम कहते हैं प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं एसिड फास्ट प्रोसीजर के अंदर वो है कार्बल फसटन फिर ये लगाने के बाद ये रेड कलर का होता है सही फिर ये लगाने के बाद हमने क्या करा स्लाइड को वॉश कर दिया ड्राई कर दिया फिर उसके अंदर हम डी डालते हैं जो कि हो होगा यहाँ पर एसिड अल्कोहल ये भी फाइव मिनट्स के लिए डाला फिर स्लाइड को वॉश कर दिया ड्राई कर दिया मतलब पहले काबुल सचिन डाला फिर स्लाइड को वॉश कर दिया फिर एसिड अल्कोहल डाला फिर स्लाइड को वॉश कर दिया देन हमने यहाँ पर डाला मेलाचाइड ग्रीन या मिथाइलिन ब्लू टू मिनट्स के लिए फिर वॉश एंड ड्राई करा अब ये जो मेला ग्रीन और मिथाइलिन ब्लू होता है ना ये कहलाता है हमारे पास काउंटर स्टेन मतलब जो बिल्कुल लास्ट में हम स्टेनिंग करते वक्त जो चीज़ डालते हैं ना उसको हम कहते हैं काउंटर स्टेन जिसका कलर आपके पास बेसिकली आता है तो मेलाचाइड ग्रीन या मिथाइलिन ब्लू सही है ये हो गया आपके पास स्टेनिंग प्रोसीजर प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट डाला बच्चे काबिल फर्स्टन फिर आपने एसिड अल्कोहल डी और काउंटर स्टेन मेलाचाइड ग्रीन इसको आपने एज इट इज याद रखना है कि प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा होता है काउंटर स्टेन कौन सा होता है डी कौन सा होता है अब इस स्लाइड पर आएँ तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो स्लाइड हमारी प्रिपेयर हो गई थी इसमें हमने काबिल फर्स्ट चीन करा फिर आपने हीट प्रोवाइड करी मतलब वो इसको ड्राई हीट करा और ड्राई करा देन हमने इसके अंदर एसिड अल्कोहल डाला फिर इसके अंदर हमने मिथाइलिन ब्लू डाला या वही मेलाचाइड ग्रीन डाला और फिर उसके बाद हमने इसको क्या करा स्लाइड को वही वापस से वॉश एंड ड्राई करके रख दिया देन लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे लास्ट स्टेप में पोस्ट स्टेनिंग जिसको हम कहते हैं इसके अंदर हम वो जो स्लाइड हमारी प्रिपेयर हो गई थी इसमें सीडर वुड ऑयल के एक ड्रॉप डालेंगे और बस इसको हम ऑब्ज़र्व कर लेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप यहाँ से देखें स्लाइड क्लीन स्लाइड को लिया स्टेलाइज करा स्लाइड की प्रिपरेशन करी वाइल्ड लूप की प्रिपरेशन करी स्मियर डाला स्मियर को प्रिपेयर करा देन काबल फसिन डाला जो कि हमारा प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट था फिर हमने डीकलराइजर डाला जो कि एसिड अल्कोहल था फिर हमने मेलाचाइड ग्रीन या मिथाइलिन ब्लू डाला जो कि हमारे पास काउंटर स्टेन था फिर हमने इसके अंदर सीडरवुड ऑयल डालकर उसको एग्जामिन कर दिया माइक्रोस्कोप के अंदर अगर पिंक कलर के आ गया तो इट मीन्स कि ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है और अगर ब्लू कलर का आ गया तो इट मीन्स कि नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है रिजल्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पिंक कलर का आ गया इट मीन्स कि ये एसिड फास्ट है एसिड फास्ट की कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दो माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस और अगर ब्लू कलर का आ गया इट मीन्स कि नॉन एसिड फास्ट है इसकी एग्जाम्पल लिख दें ई कोलाई अगर समरी की बात करें तो वही चीज़ें स्लाइड को प्रिपेयर करा सही हीट एंड ड्राई करा फिर आपने जो है ना इसकी स्लाइड की पूरी प्रिपरेशन दिखा दी फिर काबल फसन डाला अब यहाँ पर लिखा हुआ है सब चीज़ें जो कि क्या है प्राइमरी स्टेन फिर हमने हीट प्रोवाइड करी जो कि एज अ मॉडर्न काम करेगा फिर एसिड अल्कोहल डाला जो कि डी कलराइजर के तौर पे काम करेगा फिर मिथाइलिन ब्लू या मेलाचाइड ग्रीन डाला जो कि काउंटर स्टेन कहलाता है तो इनके सबके नाम याद होने चाहिए सो so, बस यही प्रोसीजर आपके पास जील नेल्सन स्टेनिंग का जिसको हम एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा